5 मिनट है आपके पास, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। याद कीजिए वो दिन जब हमें भीड़ में सुरक्षित लगता था और अचानक परिस्थिति बदल गई, कोविड आ गया और अपनों के पास जाने में भी हमें डर लगने लगा। ये स्थिति इतनी भयानक थी, हम प्रार्थना कर रहे थे जल्द से जल्द कोविड का वैक्सीन आ जाए। अब तो इंतजार खत्म हुआ है। 16 जनवरी 2021 से भारत में वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू हो गया है, लेकिन लोगों के दिल में आशंका है, सवाल है। इसीलिए मैंने स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आपको किस प्रकार से सूचना दी गई थी? डॉक्टर होने के कारण महानगर पालिका द्वारा मुझे फोन तथा SMS द्वारा वैक्सीन के बारे में सूचित किया गया। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि सरकार के द्वारा जो मुहिम COVID-19 को खत्म करने की उन्होंने शुरू की है, उसमें मैं अपना योगदान दे सकूं, ताकि हमारा आने वाला कल सुरक्षित रहे। आई कैन डेफिनेटली से आई एम अ कोविड वॉरियर एंड आई एम वैक्सीनेटेड। हमारी संस्था का एक मेडिकल कॉलेज है, उसकी ओर से सभी रजिस्टर्ड कर्मचारियों को ये वैक्सीन की सुविधा दी गई थी। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आपको जो तारीख बताई जाती है, जो डेट दी जाती है, अगर उस तारीख पर आपका कुछ काम है तो क्या वो तारीख चेंज करके मिलती है? पहले तारीख दी गई थी, तब उस वक्त मैं किसी निजी कारणवश नहीं जा पाई, तब नगर पालिका वाले ने मैसेज करके और फोन कॉल करके मुझे दूसरी तारीख के लिए प्रेरित किया, दूसरी तारीख पर जाकर वैक्सीन ले ली। वैक्सीन सेंटर पर आपके लिए क्या प्रबंध किया गया था? पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों ही चेक करते हैं ताकि आपके नाम पर किसी और को ये वैक्सीन न लगे। कोरोना वैक्सीन लेने के पहले लोगों ने आपके पास कुछ आशंका जताई होगी, उनके दिल में कुछ सवाल होंगे, क्या थे वो? कुछ लोगों ने बताया कि मुझे वैक्सीन लेने के बाद उल्टियाँ होती है, दस्त होती है, बुखार आता है, दर्द होता है। फिर भी मैंने सबको सुनते उसके बावजूद भी गया, वैक्सीन लगवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ देर तक लोगों ने उधर बैठाया, उसके बाद मुझे कोई आधे घंटे बाद कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि ये वैक्सीन शरीर के किस स्थान पर दिया जाता है? ये वैक्सीन अधिकतर आपके बाएं हाथ पर दिया जाता है, जिसे आर्म पोर्शन कहते हैं। ताकि आप अपने राइट हैंड से काम करते हैं, यदि तकलीफ हो गई तो आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा काम के बिना रहे तो भी चलेगा। वैक्सीन लेने के बाद आप तुरंत काम पर हाजिर हो सकते हैं? मैं दुबे मेडिकल कॉलेज में पियून का काम करता हूँ। वैक्सीन लेने के बाद मैंने आधा घंटा आराम किया, फिर मैं अपने काम पे लग गया। वैक्सीन लेने से पहले और लेने के बाद खाने पीने की कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई थी? वैक्सीन लेने से पहले, लेने के बाद कुछ भी खाने पीने का नियम नहीं रखा है, कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपको कोविड हो गया था, मतलब आपके शरीर में एंटीबॉडीज है, तभी भी आपको वैक्सीन लेना जरूरी है? मुझे कोविड हुआ था और मेरे शरीर में एंटीबॉडीज मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये वैक्सीन लिया है। इस वैक्सीन को आपको लेना चाहिए क्योंकि ये आपकी प्रतिकार क्षमता को बढ़ाएगा। कोविड वैक्सीन लेने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको कुछ सलाह दी गई थी? हर एक को बैठने के लिए कहा जाता है, आराम करने के लिए कहा जाता है। यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ है, घबराहट हो रही है, तो उसके बारे में वो जानकारी रखते हैं। आपको पानी के लिए पूछा जाता है, खाने के लिए बिस्किट्स दिए जाते हैं, फिर जाते वक्त वापस वो आपको गोली का खुराक थमाते हैं, जिसमें से 2 गोली दोपहर के खाने के बाद और 2 गोली रात के खाने के बाद लीजिए, ऐसी सलाह दी जाती है। यदि दूसरे दिन ज़्यादा तकलीफ रही तो पुनः उन गोलियों का खुराक लेने के लिए बताया जाता है, और उससे भी ज्यादा यदि कोई तकलीफ हो, जो कि होती नहीं है, तो कृपया हेल्थ डिपार्टमेंट को तुरंत कांटेक्ट कीजिए। वैक्सीन लेने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट से आपकी हेल्थ के बारे में पूछताछ की गई थी? 2 दिन के बाद में मुझे एक कॉल आया था, उसमें रिकॉर्डेड टेप थी और उसमें 4-5 सवाल पूछे गए थे। आपको वैक्सीन के लिए कैसे बुलाया गया, आपको फोन कॉल आया था क्या, वैक्सीन लगने के बाद में कोई तकलीफ तो नहीं थी, और आंसर के स्वरूप में हम लोगों को नंबर दबाना था। अगर आंसर हाँ है तो नंबर 1 और आंसर ना है तो नंबर 2। तो मेरे फोन कॉल में तो मोस्टली सारे नंबर 1 ही दबे। ये मुझे अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने केवल वैक्सीन देके लोगों को छोड़ा नहीं है, तो वो फीडबैक भी ले रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए वैक्सीन में किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना, और प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं। दैट वाज अ गुड थिंग। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपनों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।
कई सारे लोगों के दिल में जो सवाल है उनका जवाब हासिल करने के लिए मैंने इन स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की, क्योंकि मैंने सोचा ये तो मेरा फर्ज है, इतना तो हम कर ही सकते हैं।